बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, फ़ज़ा दुरूदो सलाम से इस वक्त मुअत्तर है क्योंकि आज उस अज़ीम हस्ती की जश्ने वलादत हुई है जो ताजदारे हरम है, सरवरे कौनैन है और वजह तख्लीके कायनात हैं। रहमतुल आलमीन खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जश्ने वलादत बासआदत का दिन। आपकी आमद ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए बल्कि इस्लाम के लिए एक एहसान है, इंसानियत के लिए एक एहसान है। बात करेंगे रबी अव्वल के हवाले से कि आलम इस्लामी इंसानियत के लिए इसमें क्या पैगाम पोशीदा है। नाज़रीन, दुनिया जानती है कि हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन व सलामती के लिए जो एक नज़रियाती और अमली इकदाम उठाए उसकी मिसाल कायम की है। मगर आज अफसोस के साथ मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में रूनुमा हुई है। इस्लाम दुश्मन ने, पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने अपनी बुजलाना कार्रवाई करते हुए आज खान रसूल को शहीद कर दिया गया है। आज मस्तूंग में हमने देखा और इसके अलावा हमने केपीके में देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात हुए जिसमें शहादतें हुई हैं, कई मासूम जाने जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई जिसमें जिसको नाकाम बना दिया गया हमारी फोर्सेस की जानिब से, लेकिन हमारे चार जवान इसमें शहीद भी हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा अजली दुश्मन है, जो कि हाल ही में कनाडा में हमने देखा कि सिखों पर कातलाना हमला किया और उस कत्ल पर वो बेनकाब भी हुआ और बेनकाब होने के बाद उस पर इतना प्रेशर आया कि बौखलाहट में एक बार फिर उसने पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत ने हमेशा माजी में TTP ले लें या दाइश ले लें या कलदम तंजीम ले लें, उनको फंडिंग की है और फंडिंग करने के बाद उनको अपनी घटिया साजिश में मुलविस किया है। पाकिस्तान जो कि इस वक्त मौशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामजन है, पाकिस्तान इस वक्त जो पूरी दुनिया में अपने केसेस को लेकर सामने है और दुनिया से इंडोज भी कर रही है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, तरक्की की राहें खुल रही हैं, यही भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ और भारत ने इस तरह की बुजदलाना हरकत की है। लेकिन दुनिया जानती है कि हमारे जो ताल्लुकात अस्तवार हो रहे हैं, हमारी जो फौज है उसकी दुनिया की जानिब जो हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज एक बेहतरीन अफवाज में शामिल है और जंग के खिलाफ दहशतगर्दी में हमेशा फ्रंट लाइन पर रही, 80,000 से जायद जानों का हमने नजराना पेश किया है और अरबों खरबों में हमारा नुकसान हुआ है। इस वक्त एक बार फिर जो है पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर जारी हो गई है। आज के मौके के हिसाब से इस पर भी बात करेंगे। मौजूद पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना हिजबुर रहमान साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं स्काइप पर। सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं महमूद जान बाबर साहब, कुछ ही देर में हम स्काइप पर ज्वाइन करेंगे दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, हमें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान से ज्वाइन करेंगे जान अचकज़ई साहब और हमारे साथ बलूचिस्तान से ही मौजूद होंगे डॉक्टर सज्जाद बुखारी जो कि सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी भी हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम कहूँगी। मौलाना साहब, आपसे ही शुरू करती हूँ क्योंकि आज इतना ऐसा दिन था जिसमें जिसको बयान करना अल्फाजों में मतलब मुश्किल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक तख्लीक हुई है वो कायनात के लिए एक तोहफा है और उनके पैदाइश से पहले ही एक माहौल बन चुका था, आमद हो चुकी थी और उसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा कि उनकी वलादत से पहले ही जो एक प्रेडिक्शंस की जा रही थी, जो माहौल बन चुका था उसमें क्या मतलब माहौल रहा होगा उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत दरअसल दुनिया में जो अल्लाह ताला की इस दुनिया इंसानियत को दुनिया और आखिरत में कामयाब करने के लिए जो उसूल और ज़ाबते इंसानियत के आगाज़ से शुरू हुए थे, दरअसल उसकी तकमील और उसके ज़रिए जो आने वाली इंसानियत है उसको इस दुनिया में भी तरक्की के मेराज पर डालने के लिए, गोया वो आखिरी पैगाम जिसके लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने कोशिशें की और हर नबी ने अपने कौम को भी और अपने जो तालीमात हैं उनके अंदर भी यानी उसकी आमद का बाकायदा एक खुशखबरी दी है जिसकी मिसालें कुरान करीम में भी मौजूद हैं और जो दूसरी इल्हामी किताबें हैं जैसे तौरात है, इंजील है, उन सब के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बाकायदा बशारत दी है। और दरअसल ये वो पैगाम है कि उसके ज़रिए अपनी उम्मत को भी समझाना है और आने वाली इंसानियत को भी समझाना है कि एक ऐसा पैगाम
जो सारी इंसानियत को एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर ले जा सकता है, जिससे इंसानियत तरक्की कर सकती है, जिस इंसानियत खुशहाल हो सकती है, जिस इंसानियत के जो इज्तिमाई अखलाक हैं, जो उसके उनकी वैल्यूज़ हैं, वो बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इंसानियत को इर्तिकाई मराहिल से गुजारा है जी, उन तमाम तर इर्तिकाई मराहिल में यानी वक्तन फवक्तन इंसानियत की यानी मुस्तकिल रहनुमाई की गई, लेकिन कुरान करीम में उस तमाम रहनुमाई को जमा किया गया है। एक बात। दूसरा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए हैं, उस दीन पर ईमान लाने वाले लोगों पे ये एक बुनियादी फरीज़ा आयद किया गया है कि वो अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के उन तमाम अंबिया और रसूल पर जो इंसानी फलाह के लिए दुनिया में आए, ये उन पर ईमान लाना लाजिम है। बिल्कुल। तो गोया मुसलमान खासकर वो पूरी इंसानियत का नुमाइंदा है, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जो इंसानियत के लिए रहमत थे, रहमत हैं और रहमत रहेंगे जब तक इंसानियत है, तो उस रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे की हैसियत से इस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। और आज के दिन की मुनासबत से, तो न सिर्फ आज के दिन की मुनासबत से बल्कि हर वक्त और हर नए लम्हे के अतबार से मुनासबत से इसको हमें मुसलसल उजागर करना चाहिए, ताकि हमारे जहन से ये ओझल न रहे और इस तज़किरे को ज़िंदा रखें, ताकि इंसानियत जिस कामयाबी की तलाश में है, जो उसको परेशानियाँ हैं, ये जो इंसानियत में मुख्तलिफ तकसीमें हो गई हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इन वाक़यात का सद्दबाब वाहिद उसका रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना और आपकी सीरत तैयबा है। जी, यानी कि नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अगर हम शुरू करें तो अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तक मुंतकिल होता रहा है। और बड़ी बेहतरीन बात की आपने कि 12 रबीउल अव्वल जो है उसमें एक आलम इंसानियत के लिए पैगाम जी, है जी, उनकी पैदाइश से पहले भी और उनकी पैदाइश के बाद भी। ठीक है, इस वक्त हमें दीगर मेहमानों ने लिया और हम बात करते हैं महमूद जान से। महमूद, आज का दिन बड़ा मतलब हम लोगों के लिए एक अहमियत रखता है, पूरे मुसलमानों के लिए। वैसे तो इस हैसियत से अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं तो हर लम्हा हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, हर लम्हा हमारे लिए पैगाम है। सीरतुन नबी पर अमल करके हम जिंदगी के हर मसले को, दुनिया के हर मसाइल को हल किया जा सकता है इसकी रोशनी में। मगर अफसोस के साथ आज एक वाकया पे, दो वाकयात ऐसे पेश आए हैं कि हमें एक बार फिर जो है एक तशवीश की लहर पाकिस्तान में उभर रही है। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि इतने ऐसे दिन के मौके पर ये दो अटैक करना बलूचिस्तान में और KPK में, ये दुश्मन का ये टारगेटेड प्लान था कि आज के दिन हमारे जो आशकाने रसूल निकले हुए थे उनको उनको शहीद किया गया? बहुत शुक्रिया शाजिया, मैं इसको दो एंगल से देखता हूं। एक तो मौलाना साहब ने बात की, तो जब दुनिया में रहमान की फौज होगी और रहमान की कुव्वत होगी तो शैतान को भी अल्लाह ने इजाजत दी कि वो भी साथ जिंदा रहेगा और उसको भी इख्तियार दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आज भी जिन लोगों ने ये प्लानिंग की तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक शैतानी प्लानिंग करके इसको पाकिस्तान को फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। लेकिन ये जो इसका फिर दुनियावी पहलू इसका देखते हैं तो एक बात है, ये मेरे ख्याल में एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान के लिए कि ये ऐसा होना गैर मुतवक्के नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने शायद काफी अरसे बाद अपने फैसले करने खुद अपने हाथ में ले लिए हैं, और जब वो अपने फैसले कर रहा है इस वक्त तो वो कुव्वतें जो कि चाहती हैं कि पाकिस्तान उनके पास रहे, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करके किसी भी तरीके से अपने पास रखा जा सके। तो ये मेरे ख्याल में ये भी हुआ है, और अब हमें मजीद भी इस किस्म की चीजों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर हम एक कमजोर जिंदगी से अगर एक कदरे ताकतवर और बेहतर जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए फैसला करने जा रहे हैं तो वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि हमेशा हम जिनके पैरों में बैठे रहे कि हमें जिंदगी के वसाइल भी दें और हमें आगे भी लेके जाए, वो कभी भी हमें आगे नहीं उन्होंने जाने दिया। उन्होंने हमेशा अपना कासा लेस रखने की कोशिश की। तो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है तो मेरे ख्याल में अभी मजीद भी होगा, क्योंकि कौन चाहता है कि उसका पाबंद बंदा उसके हाथ से निकल के कहीं और चला जाए और वो भी ऐसा पाबंद जिस तरफ आप मोड़ना चाहें तो उसको मोड़ सकें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक ये एक फैसला कुन मोड़ है, और इस फैसला कुन मोड़ पे उसको इस किस्म की मुश्किलात के लिए तैयार रहना होगा, और आम लोगों को ये बस समझ आ जानी चाहिए। मौलाना साहब, वही बात आ जाती है कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पे,
तो उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी में मतलब जंग भी की उन्होंने और अमन का पैगाम भी दिया, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही रही कि हम अमन के साथ जो है वो लोगों तक पैगाम पहुंचाए। और महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक खैर है तब तक शर है, ये तो ता कयामत जो है ये मामला चलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लिए इस मैसेज को जो कि आज के दिन की मुनासबत से मिलता है, इसको कितनी मजबूती से समझना चाहिए? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत बेशुमार पहलू हैं, जितने इंसानियत के पहलू हो सकते हैं, जो इंसानी ज़रूरियात हो सकती हैं उनमें तकरीबन जहाँ जहाँ इंसानियत को रहनुमाई की ज़रूरत है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी मौजूद है और आपका अमल भी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें की हैं वो दो चीज़ों के खात्मे के लिए की, ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है, एक जुल्म के खात्मे और एक फसाद के खात्मे के लिए। दूसरी जो जंग की है वो आपने दिफा के लिए की है। अब जुल्म का खात्मा या फसाद का खात्मा ये खुद यानी इंसानियत की डिमांड है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में किसी जगह पर रहने वाले किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ या किसी उससे रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदा जुल्म का खात्मा चाहता है, इसी तरह फसाद का भी खात्मा चाहता है। तो आपने कहीं ऐसा नहीं किया कि आपने इकदाम किया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 साल मक्की ज़िंदगी है उसमें आपने यानी हमेशा अपने हाथ को रोक के रखा है। कुरान करीम में उसका हुक्म है कुफ्फू अईदीकुम, आपने अपने हाथों को रोक के रखना है। और वहाँ पर बड़ी मुश्किलात से भी आपको गुजरना पड़ा है, लेकिन वहाँ आपने सब्र भी किया है, अपने आप को मुनज़्ज़म भी किया है और अपने अखलाक व किरदार से ये चीज़ साबित की है कि हम कोई दुनिया में महज जंग के लिए नहीं आए, ठीक है, बल्कि हम अमन के लिए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत के तो बहुत सारे पहलू, आप सुलह हुदैबिया को आप देखेंगे, वहाँ उन शरायत पर जो आपके दुश्मन को मतलूब हैं उन शरायत पर आप उनसे मुआहदा करते हैं, अगर मेरे इन आमाल की वजह से, मेरे इस ये जो हम मुआहदा लिख रहे हैं, एग्रीमेंट लिख रहे हैं, इससे अगर इस सोसाइटी में अमन आ सकता है, तरक्की हो सकती है, तो मेरा तो मकसद यही है। तो रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत तो हमें इस लिहाज से मुसलसल बार बार हमें मुतनब्बे कर रही है कि सिर्फ मुसलमान के हाँ ये तसव्वुर नहीं है कि आपके आप जिसको गैर मुस्लिम समझते हैं या जिस किसी को आपने उसको टारगेट करना है, टारगेट किसी भी इंसान को नहीं करना। इंसान को कत्ल ना हक कत्ल करने का कुरान में जो हुक्म है वो इस तरह मन कतल नफसम नफसम बग़ैर नफसन अव फसादिन फिल अर्द फकान नमा कतल नास जमिया, यानी एक इंसानी नफ्स को बग़ैर किसी लॉजिक या कानून के दायरे के कत्ल करना वो इस तरह जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दी। और एक और हदीस मुबारक में भी आप सब फरमाते हैं कि अगर रोए ज़मीन के रहने वाले और आसमानों के रहने वाले सारे मिलकर एक नाहक कत्ल करेंगे तो उनको उस नाहक कत्ल की मुकम्मल सज़ा अल्लाह देंगे। तो वो रसूल जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो इंसानियत को अमन के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता है, जिसने अपने एग्रीमेंट्स में मुशरिकीन से मुआहदे किए, ठीक, तो वो पैगाम जिंदा करना है हमें, उसको उजागर करवाना है, आगे समझाना है कि इससे हम कितना बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, दूसरे इंसानों को हम बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर मैं महसूस साहब ज्वाइन कर लिया। सर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से भी, लेकिन जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, यानी कि एक दहशतगर्दी की एक नई लहर हमें नज़र आ रही है, और 2-3 माह से गुज़िश्ता माह की बात करें तो इसमें कुछ तेज़ी हमें नज़र आई है। किस कदर सफाक अनासर हैं जिन्होंने आज के दिन इन मासूम लोगों को टारगेट किया? जी हाँ, आज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक सानिया है जी, आज इस मुकद्दस दिन में हंगू में हुआ, मस्तूम में हुआ और जोब में भी एक हमला हुआ जी। और ये देखे, दुश्मन आपका जो दुश्मन है क्लियर है और इंडिया है, और इंडिया आपको राइट फ्रॉम 1947 आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज की आपको डिस्टेबलाइज किया जाए, और उनका कंसेप्ट यही था कि ये पाकिस्तान आजाद ना हो और अखंड भारत के उस कंसेप्ट में लेके चले। हाँ। लेकिन ये इसके साथ जम्मू कश्मीर का इशू हुआ, तो इसके साथ साथ देखें कि 1947 के बाद उन्होंने अफगानिस्तान को मैक्सिमम यूज किया, एंड स्पेशली लास्ट 20 इयर्स ऑफ अशरफ गनी और जो करजई की हुकूमत थी, 9/11 के बाद तो पाकिस्तान को मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन जो वहां से अटैक्स हुए वो अफगानिस्तान से आए, और वहां पे 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे वहां पे मिलिटेंट्स के जो वहां पर रॉ वाले ऑपरेट कर रहे थे, और चक हेगल जो सेक्रेटरी डिफेंस थे उस वक्त के 2011 में उन्होंने कहा था कि इंडियंस दे आर यूजिंग एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान and they are financing terrorism inside Pakistan. और अब देखिए इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2018 में उन्होंने ये किया कि वहां पे एक
ब्रॉस नामी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें तमाम बलोच मिलिटेंट्स को उन्होंने उसमें यूनाइट किया, और इसके बाद 2022 को एक और कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ब्रॉस को मिक्स किया विद टीटीपी और अकॉर्डिंगली उनको टारगेट्स दिए गए और ब्रॉस को बताया कि ये बलोचिस्तान है और कराची है एंड टीटीपी रेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा था। इस तरीके से जो आज की अटैक है, देखें कि ये जो मस्तूम का अटैक हुआ, अगर आप रिकॉल करें तो 2018 में 13 जुलाई को एक और वहां पे भी एक खुद पे हमला हुआ था सराय रईसानी, उसमें शहीद हुए थे, वहां पे वो इलेक्शन कैंपेन पे गए हुए थे और उस हमले में 150 के करीब लोग शहीद हुए थे। और उसमें ये हुआ कि जो बंदा वहां पे जो इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था उसका नाम था पटनायक, वो बैठा था स्पिन बोलदक में, वो वहां से इसको ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट तो 100% थी, और हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हमने 5 डोजियर्स जमा कराए हैं और लास्ट हमने करवाया था 22 में। और इसमें सर कुलभूषण यादव तो एक हमारे सामने एक मतलब एक वो थी शवाहिद था, जिंदा जागता हुआ शवाहिद, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इंडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा है। नहीं, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी सिखों के उस असैसिनेशन जो एक मिस्टीरियस सिस्टमैटिक किलिंग हुई अच्छा, है। आप ये कितना समझते हैं, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कि कनाडा में सिखों पर हमले के बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई और वो इस इन्वेस्टिगेशन कनाडा और यूएसए ने दोनों ने की है और उसमें प्रूव आ गया कि इंडियन हुकूमत और रॉ इसमें मुलव्वस है, इस प्रेशर पे बौखलाहट का शिकार होके क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान में अटैक किया है? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें कि अभी एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि जी इट वॉज अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया विद कनाडा कि इसमें इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। और इसके बाद आज देखें जैक सेलवन ने भी और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने जयशंकर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी आप कोऑपरेट करें। इतनी ह्यूमिलिएशन हुई है तो वो अटेंशन वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑडियंस की भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी, कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, यहाँ से सारा कुछ यहाँ से आ रहा है। सो वह एक किस्म की डाइवर्ट करने की एक टैक्टिक्स है। लेकिन देखिए सिखों को जो कत्ल किया जा रहा है, इवन जो पाकिस्तान में जो एक लाहौर में सिख का मर्डर हुआ था पंजवर, और पिशावर में जो सिख मारे गए थे और सिख और अकॉर्डिंगली कुछ कश्मीरी जो थे यहाँ पे भी मारे गए थे, इसमें भी रॉ का हाथ था। ठीक है, और सर आपको याद भी होगा कि मणिपुर में जब भारत में ईसाइयों पर हमला हुआ था और सफाकाना हमला किया गया, तो अकलियतों में तो बहुत ज्यादा जुल्म जबर भारत करता ही है, लेकिन उसके बाद वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी चित्राल पे अटैक किया गया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखें मणिपुर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कुकीज है, वो उनके साथ जो जालिमाना उनके 200 बंदे मारे जा चुके हैं, उनके घरों को 200 ऑफ चर्चेस जलाए जा चुके हैं, और फिर इस तरह की जो माइनॉरिटीज के साथ जो इंडिया कुछ कर रहा है, इट इज सबको पता है। ठीक है, इस वक्त अफगानिस्तान के मामले को भी लेकर काफी कशीदा मसाइल हो रहे हैं, आईएसएस को देख ले, जैश ले ले, आईएसपी के ले ले, टीटीपी ले ले, वहां पे मौजूद है, ये जो दहशतगर्दी से एक्सपोर्ट का मसला है, इस पर पाकिस्तान आईएसपीआर बहुत दफा बात कर चुका है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता अफगानिस्तान की तरफ से। देखिए एक चीज तो बड़ी इनकरेजिंग कल आई थी और मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसे रिपोर्ट किया था, वो बावजूद इसके कि वो अमेरिकन मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से वो खबर की नशर हुई थी और उसमें ये खबर आई थी कि अफगानिस्तान में उन 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया था। तो ये पाकिस्तान की तो बहुत पुरानी डिमांड थी और अगर ये ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि अफगान तालिबान, अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो मजबूर हुई है इस बात पे कि वो पाकिस्तान की डिमांड को माने, क्योंकि दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये खबर आई है कि 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जो सफारती मिशन भेजा था जो आसिफ दुरानी साहब की क्यादत में, ये उनके इनको वो करके दिया जा रहा है कि एट्रीब्यूशन उनकी है कि ये उनके कहने पर ये हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसे होता है तो पाकिस्तान के और बहुत सारे मसाइल इस तरीके से हल हो सकते हैं। लेकिन अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की ये बात मानी है और न मानने उसके हवाले से, शक के हवाले से मेरे ख्याल में उसके इम्कानात कम हैं, उस पर शक नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि बड़े बावसूक जराए उसमें इस्तेमाल हुए हैं और खबर की अभी तक अफगानिस्तान से तर्दीद भी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान ये फ्रंट पे भी कामयाब रहा है कि अफगान तालिबान को मजबूर किया जाए कि अब पाकिस्तान में जो लोग हमले करें आप उनको रोकें।
इससे पहले भी खबरें आई थी कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी के लोग थे जो कि मशरकी सूबों में पाकिस्तान के करीब बैठे हुए थे उनको यहाँ से रिलोकेट करके कहीं दूर अफगानिस्तान में अंदर ले जाया गया था। तो अगर ये हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और इससे संजीदगी फिर जाहिर होती है कि अफगान जो बुरी हुकूमत है उसने पाकिस्तान की बात मान के संजीदा जवाब दिया है। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो पाकिस्तान अपने मसाइल को हल करने के लिए अगर दीगर जराए इस्तेमाल करेगा तो फिर किसी को शिकवा शिकायत करने की वो नहीं होगी, वो उसको उसके पास जवाब नहीं रहेगा। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये बात कितनी ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने खुद भी अफगान तालिबान से जब बात करने की कोशिश की उन्होंने अभी तक इस खबर की तरदीद नहीं की कि 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर ये गिरफ्तार हुए ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। सज्जाद बुखारी साहब, आप यकीनन वहाँ पर बलूचिस्तान में मौजूद हैं, इस वक्त भी आज के वाक़े की मजम्मत की जाए कम है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़ा है ये। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर 2-3 माह से हम देख रहे हैं, इस वक्त ये करंट सिचुएशन में कितना चैलेंजिंग है जब पाकिस्तान अपनी मईशत को लेकर काफ़ी कंसर्न है, अपने डिप्लोमेसी चैनल को बहुत बेहतर तरीके से चला रहा है, दुनिया के सामने अपने केस भी रख रहा है, दुनिया से इंडोज भी कर रही है, ऐसे वक्त में कि ये दहशतगर्दी एक नया बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज का इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक और अलमनाक एक वाकया डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग में रूनुमा हुआ है और ये खटकूचा का मकाम। आपको सिर्फ मैं थोड़ा बताता चलूं कि यहाँ इससे पहले बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, चाहे उसमें IED ब्लास्ट हैं या सुसाइड अटैक्स हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग में हुई हैं, खटकूचा के मकाम पे, परिंगाबाद और उससे आगे मंगूचक तक के वाकयात उसमें जो है वो सरे फहरिस्त हैं। और खासतौर पर हजारा बिरादरी को भी यहाँ पे 2 दफा टारगेट किया गया और दर्जनों अफराद को यहाँ पे शहीद किया गया। देखिए इसको समझने की जरूरत है, बलूचिस्तान के डायनेमिक्स को समझने की जरूरत है, जो स्केटेड पॉपुलेशन के स्केटेड जो मसाइल होते हैं जब तक हमने उसे एड्रेस नहीं किया और जो हमारी इंतजामी नकायस हैं जब तक हमने उसे नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस FC जिस तरह उसने स्केटेड पॉपुलेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर लोगों की जिंदगियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया, वहीं पर जो मकामी पुलिस है हमारी लेवीज उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे वेल इक्विप्ड करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने काम नहीं किया। अगर उनके लिए हमने काम किया होता, आज देखें ईद मिलादुल नबी का दिन है और हमें इस बात का अंदाजा था कि खुदा ना खास्ता इस तरह के कोई वाकया रूनुमा हो सकता है और ये 2 वाकयात रूनुमा हुए हैं और उसके मुख्तलिफ आप देखें कि सेक्टर्स हैं यहाँ पे खासतौर पर TTP और अब इतलात ये मौसूल हो रही है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये जो सो कॉल्ड BLA और ये सब भी अब TTP के धड़ों के साथ जाके मिल गई हैं। तो फिर एक तो हमारे पास रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस और प्लस फिर हमें ये दूसरा फैक्टर जो अब हमें नजर आया है TTP का, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है अगर हमने इस पर बर वक्त इकदामात नहीं किए। देखिए आज का जो वाकया रूनुमा हुआ है, इस वाकये में ये मस्तूंग का जो इलाका है ये तो क्लियर कर दिया गया था और मस्तूंग के इलाके में बिल्कुल इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा हो रहे थे, लेकिन दोबारा से दहशतगर्दों ने सर उठाया। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, आपसे थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रही थी कि क्या कैनेडा का जो वाकया हुआ है उसके बाद उससे तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पर जो दुनिया को बावर करवा रहा है कि हिंदुस्तान एक टेररिस्ट स्टेट बनने जा रही है, वो टेररिस्ट के सहूलतकार स्टेट बनने जा रही है, हिंदू इंतहा पसंद स्टेट जिसको हम एक सेकुलर स्टेट का जिसने लिवादा ओढ़ा हुआ है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के वाकयात में मुलविस हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान की सॉइल का हम उसको पसे पुश्त नहीं डाल सकते कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और दोहा में जो मुआहदा किया गया था उस मुआहदे की सरन ये खिलाफ वर्जी है, वायलेशन की जा रही है और अफगानिस्तान की सरजमीन बोथ साइड से देखिए, अगर अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल होने के हम शवायद की बात करें तो जोब में भी आज एक अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ जिसमें हमारे FC के जो नौजवान है, जो FC के जवान है वो भी शहीद हुए हैं। तो पैरेलल इस तरह के वाकयात का होना, फिर हंगू के वाकया, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि दहशतगर्द और उनके कुछ सहूलतकार आज भी हमारी सफों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो उनका कला कमा करने के लिए हमें एक ज्वाइंट एफर्ट, जो मैं एक बहुत अहम नुक्ता यहाँ बयान करने जा रहा हूँ कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज का, पैरामिलिट्री फोर्सेज का काम नहीं है, ये सिर्फ कानून नाफिज करने वालों का काम नहीं है, ये हमारे कबायली मोतबरीन
मौजूदीन उलमाए कराम हमारे इसका जवाब मैं मौलाना साहब से लेती हूँ। मौलाना साहब, ये जो तफरका फैलाया गया मुसलमानों में जानबूझ के, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी के अंदरूनी बैरूनी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले जो मुसलमानों को हिट किया गया वो यही था कि आप फिरका वारियत इतनी डाल दो कि आराम से जो है वो इनका कसूर जो है एक दूसरे पर डाल के आप साइड पर हो जाओ। इस वक्त कितनी अहम ज़रूरत है यकजहती की? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर जब तक हम नेशनल बेस पे अपने एक ऐसे करिकुलम, चाहे वो दीनी मदरसे हों और चाहे वो हमारा जो तालीमी सेटअप है उसके अंदर नहीं राइज करेंगे जिससे हम अपनी कौम की एक इज्तिमाई शनाख्त पैदा करें, उस वक्त तक हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो एक वक्त में यहाँ होते रहे, जिनकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया और ये बड़ी तवील बहस है, इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं। तो अब भी ज़रूरत है उलमाए किराम को, भले मसाजिद व मदारिस को, मेंबर व महराब को, और फिर ख़ास कर जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों से जो उलमाए किराम से लोग मुतासर होते हैं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए से होते हैं और चाहे वो पार्टीज़ के ज़रिए से होते हैं, उस पर हमें बैठ कर एक इज्तिमाई लाहे अमल सिर्फ तहरीर की बुनियाद पर नहीं, अमलन हमें उस पर बाकायदा इस पर खुल कर बात करनी चाहिए। जैसे अभी बात हो रही थी कि हमें हर तरफ से दुश्मन सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, उनके बहुत सारे पहलू हैं, कुछ माशी, इक्तिसादी, इज्तिमाई, आलमी, फिर रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सी क़ुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान डीस्टेबलाइज हो, यहाँ पर जो फ़िरकावारियत है, यहाँ जो मुख्तलिफ गुरोह काम करते हैं, जो मुख्तलिफ सोचें लोग काम करते हैं, बल्कि मैं तो इसे थोड़ा आगे जाऊँगा कि हमें अगर इस्लाम को जब तक अपने रीजनल यानी अपने रीजन के हवाले से हम इस्लाम को नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक हम रीजन में कोई तरक्की भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस्लाम एक इंटरनेशनल दीन है, एक बैनुल अक़वामी दीन है और हर खित्ते की हालात के मुताबिक इस्लाम का अपना एक बुनियादी फ़लसफ़ा है। लेकिन अगर हम उसको किसी मशरक मगरब शुमाल जुनूब, चाहे वो आलम इस्लाम के ममालिक ही क्यों ना हो, वो फ़िरकावारियत में अगर कोई किरदार अदा करते हैं, उन ममालिक के अगर आप मुनासिब समझते हैं नाम लेना या न लेना, तो वहाँ से अगर हम इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं उन मुल्कों के तनाजुर में, तो हम अपने खिते को खिलवाड़ का या इस जो बैन अलाक़वामी मकासद हैं उनका मरकज़ बना रहे हैं, जिससे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुनिया में कोई भी मुल्क उस वक्त उसने तरक्की नहीं की जब तक उनकी इज्तिमाई सोच नहीं पैदा हुई। और इस्लाम की भी बुनियादी तालीम हर खिते के अपने हालात के मुताबिक है, उस पर उलमा को चाहिए, मदारिस को चाहिए, सहाफ़त को भी चाहिए, जहाँ जहाँ ज़बान चलती है, जहाँ तहरीर चलती है, इस पर गौर व फिक्र की भी ज़रूरत है और इस पर बाकायदा ओपन डायलॉग्स की भी ज़रूरत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल मैं आपसे इस तरह करूँगी कि जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे दहशतगर्दी के फैक्टर्स भी हैं, अंदरूनी और बैरूनी भी, हमारी फोर्सेज ने बड़े फौजी ऑपरेशन किए और सफाया कर दिया था दहशतगर्दों का, लेकिन एक बार फिर हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या हमारी तरफ से कोई कोताही हुई है या वही बात आ जाती है कि तालिबान हुकूमत की शेल्टर में जो जितने भी कलदम तहरीक तालिबान है हो गया वो एक बार फिर हमें मुनज़्ज़म होते हुए और मुतहरक होते हुए नजर आए? जी देखें, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं, अफवाज पाकिस्तान अभी चतराल से लेके पफ्तान तक अभी लगे हुए और ऑपरेशंस कर रहे हैं। देखें, जब अमेरिकन ने एग्जिट किया तो वहां पे एक जो अफगान तालिबान ने छोड़ के गए थे, जी वो असला देखे $7 बिलियन का असला छोड़ के गए हैं। फिर तालिबान ने ये कि 8,000 के जो TTP वाले लोग थे उनको जेलों से छोड़ दिया। ये है कि अफगान TTP वाले फ्रीली दे कैन मूव अराउंड, वहां पे सेफ हेवन्स हैं, दे आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट वेपन्स हैं, तो वहां पे फाइनेंस का मसला नहीं है, रिक्रूटमेंट फ्रेश हो रही है। और अकॉर्डिंगली अब मसला क्या है, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की अपनी इनकेपेबिलिटी है, वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अभी भी वहां पे कंसेप्ट वॉर लॉर्ड्स का अभी भी चल रहा है, काबुल का जो कंट्रोल वहां पे नहीं है। सो देयरफॉर अभी जब तक अभी इसमें ऑप्शन जो है ना, जब तक एक ऑफिशियल फतवा नहीं आता है फ्राम मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा की तरफ से, तब तक नहीं होगा। पीछे उन्होंने कुछ कहा है, वो तो एक किस्म के अहकामात थे, एक फतवा दिया जाए कि जी ये काम जो TTP वाले हैं ये यहाँ से इजाजत ही नहीं है, इस पे बात होगा। सेकंड ये है कि देखें, रूथलेस ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी जो है अपने इलाकों में कर रही है। अब सेकंड ऑप्शन ये है, अगर ये हमले नहीं रुकते हैं तो फिर ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान आर्मी इन कोऑर्डिनेशन इन कोऑपरेशन विद द अफगान तालिबान, उनसे बातचीत करके इनसाइड अफगानिस्तान भी ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं अगेंस्ट द हाइड आउट।
पाकिस्तान आर्मी की वो कैपेबिलिटी है, तो लेकिन हम अब इस स्टेज पे वो मसला, वो डिप्लोमेटिक वो चीजें क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि एश्योरेंस से जिस तरह अभी हमारे आसिफ दुरानी जो स्पेशल इन्वाइट गए थे उनके साथ एक अच्छी बातचीत हुई है, एश्योरेंसेस दिए गए हैं कि उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, पीटीपी को हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद 3-4 दिन के बाद ये ऐसा हुआ, स्पेशली रिजॉल्व में अटैक हुआ, तो ये वहां से लोग आए हैं, तो मतलब थिंग्स मतलब सीरियस है। आर्मी चीफ ने इसको बड़ा कैटेगोरिकली उनको कहा हुआ है कि एनएफ इसमें फिर रिस्पांस आएगा तो सख्त आएगा। इवन हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के फोरम पे ये बात की है, और उससे पहले भी स्टेटमेंट आता रहा फॉरेन ऑफिस से कि ये जो असलहा पकड़ा गया है ये पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये खित्ते के लिए भी खतरा हो सकता है, और बाद में 9/11 जैसे वाकयात भी रोनुमा हो सकते हैं। ये अभी आप देखें कि जो इम्पोर्टेंट चीज डेवलप हो रही है कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है मॉनिटरिंग टीम की, उन्होंने ये कहा कि आईएस के इज द सीरियस थ्रेट नॉट ओनली फॉर अफगानिस्तान, फॉर रीजन एज वेल एज ग्लोबली। अभी आईएसके ने रिप्लेस कर लिया अलकायदा को, थ्रेट इज रियल है, और अभी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इग्नोर करेगी तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, महमूद साहब आपको क्या लगता है क्यों अफगान ये जो बुरी हुकूमत है ये इतना सख्त रद्द अमल दे रही है, क्योंकि जैसा बात की आर्मी चीफ साहब भी ये बात कर चुके हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर चुके हैं, असलाह जो छोड़ के गया 20 साल रह के गया अमरीका और असलाह छोड़ गया और अफगान हुकूमत से वो तालिबान के हाथों लग गया। अफगानिस्तान हुकूमत से बात करें तो वो ये बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के अपने अंदर के मसाइल हैं वो खुद हल करे, क्या उनको इस संगीनी का इदराक नहीं कि ये पाकिस्तान के अपने अंदर के मसाइल नहीं है, अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो खित्ते में अमन नहीं होगा। देखिए शाजिया, एक बात तो ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि अफगान तालिबान जो है वो इतने ज्यादा मजबूत और पावरफुल भी नहीं है जितना हम समझते हैं कि अफगानिस्तान पे उनका मुकम्मल कंट्रोल है। अफगानिस्तान में शायद वो जो स्ट्रीट क्राइम वगैरह है वो तो उन्होंने खत्म कर लिए हैं, लेकिन उनको इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो उनको अपने इतिहादियों से दरपेश है, और उनके इतिहादी अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें टीटीपी और बाकी पाकिस्तान में जो तंजीमें थी वो उसके इतिहादी के तौर पर अमरीका और इतिहादियों के खिलाफ लड़े थे। अब जब वो इतिहादी यहाँ से चले गए और उन्होंने एक अजीब सी सूरत हाल में अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले किया, तो अब अगर तालिबान उन लोगों को कहते हैं कि आप जो हम कह रहे हैं तो आप वही करेंगे, तो खुद जो टीटीपी तो शायद उनकी बात मान ले, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो निचली सतह के जो लोग हैं, जो उसका गनमैन है जो कि फील्ड में लड़ता रहा है, वो वजीर भी नहीं है, वो कोई सरकारी पोजिशन भी उसके पास नहीं है, तो उसको इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो टीटीपी हमारे साथ अफगानिस्तान में लड़ती रही है अब हम उनको कैसे पाकिस्तान के रहम करम पे छोड़ दें। तो उसने खुद अफगानिस्तान में तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा किए कि वो उनकी बात मान नहीं रहे, और जो पाकिस्तान में हमले हुए उनके साथ जो अफगान तालिबान आए भी तो वो लोग थे जिन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत की थी और वो यहाँ पे आए थे, उनके लिए कई बार वहां से बयान भी जारी हुए कि आप पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन वो अफगानिस्तान में वो अफगान तालिबान की भी कोई बात मानते हुए नजर नहीं आ रहे, और खुद अफगान तालिबान की जो हुकूमत है मेरे जाती ख्याल में वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि वो ये नहीं चाहती कि जो माजी में उसके दोस्त रहे थे वो कहीं और जाके किसी और से मिलके इन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दें। ये वो कमजोर पॉइंट है जिसे समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि पाकिस्तान में एक हुकूमत है, तो इसलिए मेरे साथ और महमूद ये एक इतलात ये भी आ रही थी कि अफगान तालिबान अलकायदा में हुकूमत जो में अलकायदा कोई सेटअप दे रहे। देखिये बहुत सारी बातें आ रही हैं, अंदरूनी सतह पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर इसलिए ज्यादा है कि उनको अभी तक तस्लीम नहीं किया गया, उन्होंने अभी इसके लिए एक और टैक्टिक निकाली है, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक आईन बनाएंगे अफगानिस्तान का, तो जब हम आईन बना लेंगे तो हम आईनी हुकूमत बन जाएंगे, तो उन्होंने परसों एक खबर भी जारी की थी कि हम आईन बना रहे हैं, जब आईन बन जाएगी तो हमारी हुकूमत के नाम से ये उबूरी का लफ्ज हट जाएगा, हम मुकम्मल हुकूमत बन जाएंगे, हम एक कंप्लीट हुकूमत बन जाएंगे, जिसके बाद कोई हमें तस्लीम करता है तो करता रहे, नहीं करता तो हम तो फिर भी उबूरी हुकूमत नहीं रहेंगे। तो उन्होंने वो जो दुनिया के जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा करने की बजाय उन्होंने अभी इंटरनली कुछ और भी अपने लिए सेटिंग्स करनी शुरू कर दी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया इन्हें मानेगी, कोई मुल्क अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया उन्होंने कि अफगानिस्तान में इनकी, तो इस वजह से वो अब खुद भी मुश्किल का भी शिकार है, और वो कितने अरसे तक इस तरीके से चल सकते हैं, दुनिया उनसे डिमांड कर रही है क्योंकि दुनिया की बहुत सारी डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हुई, लड़कियों की तालीम के हवाले से पूरी नहीं हुई,
हमसायों के यहाँ उनकी वजह से जो मुश्किलात हैं अफगानिस्तान की वजह से, हमसाये अभी तक उनकी शर से महफूज नहीं रहे जो उनके वहां पे लोग मौजूद हैं। तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिससे दुनिया डिमांड कर रही है आप ये करके बताएं ताकि आपको एक मुल्क के तौर पे तस्लीम किया जाए, लेकिन अभी वो इसको करने में नाकाम है। तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल उनके लिए भी है। ठीक है सज्जाद, आपने पहले जब बात की थी तो एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, बलोच जो हमारे नाराज बलोच हमारे भाई हैं या अलहदगी पसंद जो बलोच हैं, हमने देखा कि इस हुकूमत ने भी, पिछली हुकूमत ने भी और हमारी जो फोर्सेज हैं फौज पाकिस्तान है, उन्होंने खास तौर पे चाहा कि जो नाराज बलोच हैं उनको हम अपने उसमें लेकर आएं, अपने साथ बिठाएं, उनकी महरूमियों को दूर करें। उस पर काम भी बहुत हो रहा है और बहुत सारी हमें मिसालें शंबे वगैरह की भी नज़र आती है, लेकिन बात यही आ जाती है कि अभी जो TTP और जो ये जो बलोच दहशतगर्द है इनका जो गठजोड़ हो रहा है, इस ये नेक्सस खत्म करने के लिए क्या इकदामात होने चाहिए फौरी तौर पर? देखिए शाजिया, सबसे पहले तो मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि हम जमीनी हकायक को पस्ते पुश्त डाल के उसे मुसलसल नजरअंदाज करके एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे माशरे में सराहियत कर जाती है, फिर वो जुबान जब आम हो जाती है। हम बार बार कहते हैं नाराज बलोच, तो एक बात हमें यहां समझने की जरूरत है कोई नाराज बलोच नहीं। अगर कोई नाराज है तो वो अपने गिले शिकवे कर सकता है, मेन स्ट्रीम में कर सकता है, पार्लियामेंट में आके कर सकता है, पार्लिमानी जिद्दोजहद के जरिए कर सकता है और अफहाम तफहीम से मामलात को हल कर सकता है। ये जो नाराज बलोच की टर्मिनोलॉजी, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं समझता हूँ ये हकायक के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि अगर वो नाराज बलोच हैं तो वो अपने बलोचों को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि खटकुचा के मकाम पर अगर आज ये वाकया रूनुमा हुआ है या इससे पहले जो आपके कलाट डिवीजन और मकरान डिवीजन में बलोच और जो बिरावी लैंग्वेज वाले अब तक जो शहीद हुए हैं, क्या वो किसी और जुबान से ताल्लुक रखते थे? तो मैं ये समझता हूँ नाराज बलोच का लफ्ज इस्तेमाल करके निहत्ते और मासूम लोगों का मतलब ये बलोच दहशतगर्द है बेसिकली टीटीपी के साथ, दहशतगर्द कह सकते हैं क्योंकि दहशतगर्द जो है उनके कोई मजहब, कोई कौम, कोई कबीला नहीं होता, दहशतगर्द कौम से दहशतगर्द कह सकते हैं। और आज का जो ये अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ, मैंने नहीं, मेरा सवाल सज्जाद ये था, शायद मैं आपको उस तरह समझा नहीं सकी कि बलूचिस्तान में जो महरूमियां हैं जिससे कि हमारे बलूची भाई जो जिनकी नाराजगी हमें नजर आती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि लोकल लोगों को वहां इन्वॉल्व किया है, वहां की हुकूमत ने इन्वॉल्व किया, हमारी फोर्सेज ने इन्वॉल्व किया, इवन ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं जिसमें हमारे बलोच भाइयों को बुलाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है। ये तो तमाम चीजें वहां पर फिर गवादर पर उनको नौकरी देने के हवाले से बात की जा रही है, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से बात की जा रही है। बात सिर्फ इतनी है कि भारत एक बार वो कहते हैं ना बबांगे दहल कह चुका है कि बलूचिस्तान हमारा टारगेट है और वो हम देख रहे हैं कि वो टारगेट करता रहता है। देखिए एक बात यहां पे बड़ी आम है, भारत जो ये बार बार दावे करता है और बार बार ये कहता है कि बलूचिस्तान के लोग मुझे आवाज, आपको याद होगा लाल किला में ये नरेंद्र मोदी यानी बुचर ऑफ गुजरात, उसने एक दावा किया था कि मुझे बलोच भाई आवाज दे रहे हैं और उसी लाल किला पर आपने खालिस्तान का झंडा गाड़ते हुए भी खालसा तहरीक को आपने देखा। तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान को और खासतौर पर नरेंद्र मोदी को अपने देश के जो बासी हैं उनकी तकालीफ और उनकी परेशानियों का ख्याल रखना चाहिए। ये जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसको आप कह रही है, देखिए बलोचिस्तान में 5 इंसर्जेंसीज हुई, अगर हम उन 5 इंसर्जेंसीज का बगौर जायजा लें तो उन 5 इंसर्जेंसीज में आपको बैरूनी मदाखलत के वाहिद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और इस इंसर्जेंसी में बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास जो गिरफ्तारियां हुई उन गिरफ्तारियों में हमें हिंदुस्तान की करेंसी और हिंदुस्तान के ताने बाने और हिंदुस्तानी साख्ता असला भी बरामद हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीजों को मिक्सअप नहीं करना, हमने रियालिटी को समझना है और रियालिटी ये है कि हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तादाद को बढ़ाना है, हमने FC पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, लेवीज है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को मजीद मजबूत और मरबूत बनाना है, क्योंकि हमें गैर मामूली हालात का शादिया देखिए सामना है। हमें जब जरूरत पड़ी थी हमने भी आईनी तरमीम लाई, हमें जब जरूरत पड़ी हमने प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लाया, जब हमें जरूरत पड़ी हमने ऑपरेशन किया, हमने रतुल फसाद किया, हमने ऑपरेशन जरबे अर्ज किया, हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। और आपकी तवज्जा में इंतहाई अहम इशू की जानिब रागब करवाना चाहूंगा, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद है और हमारे इस वक्त बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन भी इस वक्त शो में मौजूद हैं और इस पैनल का वो हिस्सा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में वाहिद तरीका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। ये जो IBOs जितने हैं
ये बलोच क्योंकि बलोचिस्तान लेकिन लेकिन सजाद किए तो गए हैं, 14,000 से गालिबन ज्यादा ऑपरेशन किए हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। तो देखिए वो उसका फायदा आपको मिला ना जी, बिल्कुल। कलाड डिवीजन क्लियर हो गया, आपका मोर देन 80% मकरान डिवीजन को क्लियर कर दिया, आपकी जोग डिवीजन जहां पे आप सफर नहीं कर सकते थे अब आपके जोग डिवीजन में आप मिडनाइट भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो देखिए असर तो उसका हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, ये मैं समझता हूँ कि इसके बगैर मसला हल नहीं होगा। ठीक है महमूद, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे लूंगी फिर मौलाना साहब के पास आऊंगी। ये जो हमने हमारी जो जो इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग है, ऑपरेशंस है और जो पॉलिसीज है, क्या इसको इस वक्त रिव्यू करने की जरूरत है? क्योंकि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी तो जिस तरह हमें इकोनॉमी पॉलिसी में चाहिए, हमें दिफाई पॉलिसी में भी यही कंटिन्यूटी चाहिए। देखिए एक बात तो आप मानेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनके काफी अच्छे नतीजे निकले हैं और इसके बड़े बेहतर नतीजे सामने आए हैं और लोगों ने यहाँ पे इसको अमन की सूरत में इसको महसूस भी किया है जी। लेकिन इसमें एक चीज की थोड़ी कमी है कि इसमें आम आवाम जो है तो इनको भी अगर शामिल किया जाए और उनको भी ये कहा जाए कि आप भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने पाकिस्तान की फोर्सेज जिम्मेदार हैं, और उनको भी थोड़ा सा इख्तियार दे के उन्हें छोड़ दिया जाए कि आप जाएं, आप ये काम करके आए, तो मेरा ख्याल है ये मसाइल हल हो सकते हैं। लास्टली मैं आपसे यही, सारी आपने गुफ्तगू सुनी क्योंकि आज अफसोसनाक वाकये की वजह से हमें मुख्तलिफ डायमेंशन पे बात करनी पड़ी, इस वक्त क्या पैगाम हम मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरतुन नबी से लेकर जो इस वक्त मुल्की हालात हैं इसमें पहुँचाना चाहिए? देखिए एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक सानहा अब भी हुआ है और बारहा इबादत गाहों में हुआ है, बाजारों में हुआ है और पिछले तकरीबन एक तसलसल से इसकी लहरें कभी बहुत ज़्यादा रही, अब तो कुछ बेहतरी उसमें आ गई थी, ये वक्तन फ़वक्तन ऐसे होते रहते हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ तो जैसे हमारे दूसरे दोस्तों ने भी अर्ज़ किया कि एक तो हमारा आपस में आवाम के साथ रिलेशन बहुत ज़रूरी है, हर यानी हर बेस पे, हर बुनियाद पे और ख़ासकर बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीमी इदारों में ज़रूरी है, शऊर की यानी हमें और ज़्यादा वो करनी चाहिए अपने नौजवानों में, अपने बुज़ुर्गों में, हर सतह पे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो बुनियादी तौर पर तो रहमत है जी, और आप फरमाते हैं कि इन्ना बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अख़लाक, मुझे तो भेजा गया ताकि मैं अख्लाक की तकमील करूँ, और दूसरी जगह आप फरमाते हैं कि इन्ना बुइस्तु रहमतन व मुहदातन, मुझे हिदायत देने वाला और रहमत बनाकर भेजा है। दूसरी जगह आप इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है इस तरह वो नहीं बनाकर भेजा, वलव कुन तफद्दन क़लीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़ू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते और तुरशरू होते तो कभी भी लोग आपके पास ना आते। तो आज का तो जो पैगाम है और ये जो ऐसे हादसात हुए हैं, अगर इसमें किसी मुसलमान नाम का कोई फ़र्द वो इस्तेमाल हुआ है किसी भी क़ुव्वत के लिए, किसी भी बुनियाद पर इस्तेमाल हुआ है, तो वो तो अपनी जगह अल्लाह के यहाँ भी उसने तबाह की है और इंसानियत के यहाँ वो बल्कि एक तरह मुसलमान नहीं रहा जी, क्योंकि वो एक मतलब इबादत में मसरूफ़ और मकसद ये है कि पुरअमन लोगों को जहाँ यानी उनका कोई जुर्म नहीं है, इतने बड़े उसका मुर्तकिब हुआ है, मासूम लोगों की जाने ले रहा है, और मासूम लोग क्या, जो मुल्क की हिफाजत करने वाले लोग हैं वो भी तो मुल्क ही के मुहाफिज़ हैं, वो इससे हट कर तो कोई और नहीं है, वो इसी मुल्क की खिदमत करते हैं, तो उनको भी अगर ये इस तरह की तकालीफ जैसे जोब के वाक़ात हुए तो ये दरअसल ये इस लिहाज से हमें समझने चाहिए, इन वाक़ात के लिए हमें बाखबर होना चाहिए, बाशऊर होना चाहिए, और हमें एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ख़ास कर ये जो फ़िरक़ावाराना नुक्ता नज़र से जो आपने पहले बात की, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, किसी भी बुनियाद पर हमें माशरे के अंदर इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं देनी पड़ेगी, तब जाके हमारी सोसाइटी भी बेहतर होगी और हम आगे जाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, माशी लिहाज से भी करेगा और इज्तिमाई लिहाज से भी करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बात वही आ जाती है मौलाना साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि दामन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्तगी है नाज़रीन, अगर वो वाबस्तगी रहे तो फिर दुनिया में अमन कायम हो सकता है, आकबत तंगेज़ी ख़त्म हो सकती है, अमन व अमान कायम हो सकता है, मोहब्बत और कायम हो सकता है और दुनिया और आखिरत सवर सकती है। रही बात दहशतगर्दी की इस नई लहर पर, तो यकीनन हमारी फौज पाकिस्तान हर महाज पर पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है, पहले भी दुश्मनों को खाक चटाया था, अब भी दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए तैयार है, मिनहसुल कौम हम अपने फौज के साथ खड़े हैं, अपने पाकिस्तान के तहफ़ के लिए खड़े हैं, मगर आलमी दुनिया को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये अमन अमान का मसला ख़राब हुआ तो सिर्फ ये पाकिस्तान अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, ये खत्ते पर जाएगा और फिर ये पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के पास।